उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। उसके बाद जितने भी इश्यूज आज यहां उठाए गए हैं उसको मैं आपके अनुमति से विस्तार से एक एक पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूंगा। और मैं ये मानता हूं, विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहाँ बातें बताया गया है, सब चीज को मैं दूर करूंगा। और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, कॉम्पिटेंस बताना चाहता हूं। इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक, किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अपसुन कोर्ट का एक का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये बिल पेश करने का। अध्यक्ष महोदय जी, मैं बारी बारी से कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सर, जिले का लंबा इतिहास मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये फोर में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए सर, जिसको 2013 में का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिल से, आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन में आना पड़ रहा है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो उसको देखा है कि वाकई 1995 का वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या ठीक है, काफी है, इस पर का एनालिसिस किया है सर, मैं उसका आपके सामने में अभी रखूंगा। लेकिन ये पाया गया है कि 1990 सक्षम रहा है और जिस पर्पस के लिए एक्ट लाया गया है वो पर्पस सर्व नहीं हो रहे थे, उसके लिए कुछ कदम उठाया गया है। मैं आज इस सदन के माध्यम, आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, एक तरीके से करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको समर्थन किया है, और किसने विरोध किया है, ये तो गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। सर 2014 से लेकर के आज तक ये 19 कई या इस मुद्दे को लेकर के कमिटियां और अलग अलग जगह में इसका विवरण किया गया है। सबसे पहले सर 1976 में वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट पेश किया गया था, और 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में जो बड़ा रिकमेंडेशन आया है मैं आपके सामने में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है सारा वक्फ बोर्ड जो है मुतवालीस के कब्जे में चले गए हैं, उसको डिसिप्लिन करने के लिए
प्रॉपर कदम उठाया जाना चाहिए। 1976 वॉक इंक्वायरी रिपोर्ट का दूसरा रिकमेंडेशन है लिटिगेशन और केसेस जो आपस में मतभेद इतना ज्यादा है उसको सरल करने के लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम को गठन होना चाहिए, उस समय का रिकमेंडेशन था। फिर उसने तीसरे पॉइंट ये कहा कि ऑडिट और अकाउंट्स, वक्फ बोर्ड में ऑडिट और अकाउंट्स का तरीका प्रॉपर नहीं है, उसका पूरा प्रबंधन होना चाहिए, ये उस समय का रिपोर्ट ने कहा गया है। और आखिरी में इट रिकमेंडेड द रिफॉर्म्स इन द कैटेगरी ऑफ वक्फ अल औलाद, बच्चों के लिए जो हम वक्फ देते हैं उसको सुधार लाना चाहिए, ये 1976 का रिपोर्ट में कहा गया है। उसके बाद सर जो हम आज थोड़ा विस्तार में जिसको मैं बताना चाहता हूं दो कमेटियों के बारे में, ये दो कमेटी कांग्रेस के समय में ही बनाया गया था। सबसे पहले हाई लेवल यूपीए का सरकार आ चुके थे और ये स्पेसिफिक मुसलमान, ये हम सब मालूम है, मैं सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन आज इस सदन में बताना चाहता हूं। सचर कमेटी का जो पहला रिकमेंडेशन है इसमें कहा गया है एनुअल इनकम जितना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज है 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी जनरेट होता है, ये किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और इसको एफिशिएंट तरीके से, मार्केट तरीके से, जिस तरीके से मैनेज होना चाहिए सारा वक्फ प्रॉपर्टी को, अगर सही माने में उस समय उन्होंने कहा उस सचर कमेटी ने, तो उस समय 12,000 करोड़ रुपया पर एनम मिलता है और उस समय जनरेट हो रहा था 162 करोड़। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं क्योंकि वो कमेटी का रिपोर्ट है और मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री होने के नाते जो हम लोगों ने स्टडी किया है, टोटल 8,72,320 वक्फ प्रॉपर्टीज हमारा जो वामसी जो पोर्टल है उससे पूरा डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू सचर कमेटी ने जो कहा है उससे कई गुना अधिक होने का संभावना है। ये एक आम अंडरस्टैंडिंग की बात है, सबको मालूम है वक्फ के पास कितना प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के पास और कितना आमदनी है। दूसरा सर, सचर कमेटी का रिकमेंडेशन, सचर कमेटी ने आप यूपीए का समय में ही आपने कमेटी का रिपोर्ट एक्सेप्ट किया, उसमें कहा गया कि अभी जो मौजूदा वक्फ बोर्ड है उसको ब्रॉड बेस किया जाना चाहिए, जो लोग मेंबर होते हैं, जो लोग इस कमेटी में जिस वक्फ बोर्ड में है उससे काफी नहीं है, इसलिए इसका ब्रॉड बेस होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, यह सचर कमेटी का रिपोर्ट का पहला नंबर पॉइंट। इसमें सर दो महिला सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में होना चाहिए, यह भी सचर कमेटी का ही रिकमेंडेशन है। सेक्रेटरी जो होते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस स्तर का ऑफिसर होना चाहिए, उसमें अंडर सेक्रेटरी का जूनियर ऑफिसर लेवल जो बनाया है उसको आप रैंक को ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक उसको उठाना चाहिए, ये उसी कमेटी का रिपोर्ट में आया है। और जो स्टेट में वक्फ बोर्ड है उसमें क्लास वन ऑफिसर होना चाहिए। सचर कमेटी ने सीधा सीधा ये कहा है कि प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों को दिया जाना चाहिए। हम आज का जो बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं ये उसी सचर कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार सेम पर्सन हम यहाँ आपके सामने में लाया जा रहा है और आपको तो खुश होना चाहिए, ये कमेटी आपने बनाया सर, हमने करके दिखाया सर, ये सर हमने शांति से इनकी बात सुना अध्यक्ष महोदय जी, ये
ये सीनियर मेंबर है, इस तरह से बीच बीच में उठ के बोलना ठीक बात नहीं है। आपको तो नियम मालूम है सर। दूसरा कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसका अध्यक्षता के रहमान खान जी उस समय कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी मंत्री रहा है, उनके डिप्टी स्पीकर भी रहा, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में रहा है, और उन्हीं के अध्यक्षता में पूरा पार्टी के सदस्य हमारा भारतीय जनता पार्टी से भी मेंबर थे उस जेपीसी में। उस जेपीसी में सर सीधा सीधा वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं है, वहाँ मैन पावर टोटली इनसफिशिएंट है, इनकम्पिटेंट है, और फंड इतना कम है, सही मैनेज नहीं किया गया है, इस तरीके से वक्फ बोर्ड नहीं चल सकता है। दूसरा मुटावालीज के बारे में कहा है कि लगता है सारा वक्फ बोर्ड का ध्यान किसको मुटावाली बनाना है और उसको कैसे हटाना है इसी में केंद्रित है, इसलिए इसका प्रावधान को हटाना चाहिए। फिर कहा गया है डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उसको प्रॉपर से मेंटेन करने का भी प्रावधान वक्फ बोर्ड में नहीं है, उसको किया जाना चाहिए। और वक्फ बोर्ड मौजूदा जितना है देश भर में उसको फिर से सर्वे होना चाहिए, और गरीब मुसलमानों के लिए और वक्फ बोर्ड का अपना अंदर में सही चीज का, चाहे वो लीगल मैटर हो और कोई भी चीज हो, उसका एक्सपर्ट्स लॉयर्स वहां उनका एक्सपर्ट लोगों का और भी लोगों को अंदर लाने का जरूरत है ताकि वो ज्यादा चुरुस्त दुरुस्त हो सके। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का और सजेशन है टोटल वक्फ बोर्ड को कंप्यूटराइजेशन करना चाहिए, डेटाबेस को सेंट्रलाइज करना चाहिए, और म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में होना चाहिए जितना भी वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। ये सचर कमेटी ने और ये सॉरी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया। और सर आप सबको भी एक बार वो कमेटी का रिपोर्ट मैं आपके आपको ही दे देता हूं ताकि आप भी पढ़े फिर से। और सर टोटल जो 1995 वक्फ एक्ट को फिर से मजबूती से रीलुक करना चाहिए, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ही रिपोर्ट है। और एक आपने अपॉइंट किया, अब देखिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर, आपको मैं मेंबर का नाम भी दे देता हूं, चेयरमैन का तो नाम मैंने बता दिया, आपका वरिष्ठ नेता थे, आपने अपॉइंट किया, ये सारा रिकमेंडेशन आज आप तो हमको शाबाशी देना चाहिए, जो आप नहीं कर पाया वो हम ला रहे हैं सदन में, सारा का सारे प्रॉब्लम्स, सारा का सारा सजेशन ये उस समय सबको मालूम कर चुके हैं, इसलिए सर राहुल जी कन्विंस हो, ये मन ही मन में सब कन्विंस है, ये राजनीतिक दबाव में अपोज कर रहे हैं, अंदर अंदर सब लोग समर्थन दे रहे हैं, ये मुझे मालूम है अध्यक्ष मोदी जी। सर राहुल गांधी सहमत होते जा रहे हैं, राहुल गांधी जी तो अभी बाहर निकले हैं लेकिन सहमत दे कर गया है कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सर मैं इसी बीच कुछ इंडिविजुअल केसेस और कंसल्टेशन जो हम आज बिल लाया है, कुछ सदस्यों ने कहा है कि और कंसल्टेशन होना चाहिए था, आपको मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं जितना कंसल्टेशन प्रोसेस पिछले 10 सालों में किया गया है आज तो किसी सरकार ने इतना स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं किया है। मैं आपको बताऊंगा अभी, आप सिर्फ शांति से सुनिए। सर मैं फिर से कहता हूं, जो संविधान का हवाला दे करके बिल का जो पर्पस को मंशा को गलत धारणा दे करके मिसलीड करना चाहता है, मैं फिर से कहना चाहता हूं सर, अगर कोई भी बोर्ड हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर कुछ काम ऐसा करता है जिसको कोर्ट में रिव्यू करना है तो इसमें सर गलत बात क्या है? अगर ट्राइब्यूनल का फैसला गलत है, अगर उसमें कोर्ट में अपील करने का प्रावधान देते हैं, उसमें
गैर संवैधानिक कैसे हो गया ये बताइए आप। आप अगर तर्क रखते हैं तो आप उसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा सर। अगर सर ऐसे केसेस में अभी बताने वाला हूं कि कितने सालों तक वक्फ बोर्ड में बैठे वाले लोग आपस में तालमेल करके और ट्राइब्यूनल में मैटर दे देते हैं और ट्राइब्यूनल अपने तरीके से या पेंडिंग रख देते हैं या दूसरे तरीके से फैसला देते हैं, इसका चैलेंज आप किसी अदालत में नहीं कर सकते हैं। सर लोकतंत्र में भारत जैसा महान देश में क्या ऐसा व्यवस्था इतने सालों तक चलना चाहिए सर? वो गुमराह करे, वो ऐसा तरीका बनाया, ऐसा तरीका बनाया इन्होंने कि ट्राइब्यूनल सर ये इस तरह से आप लोग बात करके मेरा आवाज नहीं दबा सकते हैं। सच्चाई सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि सर तरीका ऐसा बनाया कि ट्राइब्यूनल का जजमेंट का रिव्यू नहीं हो सकता है। कितने कोर्ट में पेंडिंग है उतना मैं बताऊंगा सर। दूसरा इन्होंने संविधान का हवाला दिया सर, इन्होंने संविधान का बार बार हवाला दिया। हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप सर इसमें प्रावधान देखिए, इस 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था सर। क्या ऐसे कानून हमारे देश में होना चाहिए? सर जो मैं यूएई के बारे में बताना चाहता हूं, जब हमारा देश का विभाजन हुआ, यहां से जितना मुसलमान पाकिस्तान गए उनका भी प्रॉपर्टी था, और पाकिस्तान से जितना हिंदू भारत में आए उनका भी प्रॉपर्टी काफी वहां थे। पाकिस्तान में जितना भी हिंदुओं का प्रॉपर्टी है वो तो सरकार ने ले लिया और बाकी जो भी करना था कर लिया। यहां से जो मुसलमान गए उसमें ज्यादातर लोगों ने अपना प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत डिक्लेयर करके गए। और सर ऐसा कई केसेस है, मैं अभी बहुत लंबा इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, ये फैक्चुअल चीज है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है आपका जमीन है, आप किसी को क्या करना चाहते हैं मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने अपना विल, अपना डीड दिया है, अपना जो मनसा को साफ किया है, अगर उसका लाभ मुसलमान महिला या मुसलमान बच्चे को अगर लाभ नहीं मिलता है तो क्या सरकार चुपचाप बैठना चाहिए सर? ये हमारा दायित्व है, ये सदन का दायित्व है कि गरीब महिला कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, कोई भी हो, सारा प्रावधान रखा गया है। उसमें एक मैटर में बोलना चाहता हूं, लॉ ऑफ लिमिटेशन में क्या कहते हैं सर, इसमें ऐसा प्रावधान था जिसको हम हटा रहे हैं आज के इस अमेंडमेंट के जरिए। लॉ ऑफ लिमिटेशन में ऐसा था पुराने कानून में कि इतने साल तक आप अगर कोई अपील नहीं किया या उस समय उसका कुछ बीच में कुछ घटना हो गया या पुराने बहुत साल हो गए, आप लॉ ऑफ लिमिटेशन तो होना चाहिए ना सर, कहीं सीमा तो होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि मान लो कोई खड़ा होकर कहेगा कि 500 साल पहले मेरा बाप दादा का इस जगह में कोई कार्यक्रम चलता था, नमाज पढ़ा था या किसी ने कुछ किया है, सिर्फ एक बात बताने पर पूरा वो जगह को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। ऐसा नहीं कर सकते। लॉ ऑफ लिमिटेशन भी इसी संसद ने बनाया है और लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी ओवरराइड कर दिया था ये 1995 वक्फ एक्ट ने सर। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा कानून इस देश में कैसे हो सकता है कि बाकी जितना कानून को ऊपर में चढ़ जाता है और उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है, ऐसा होने से हम कैसे एक्सेप्ट किया है इतने सालों तक? तो ये सर एक अच्छा समय है जो गलती किया है, ठीक है इंसान से गलती हो जाते हैं,
और पार्टियों ने भी गलती किया होगा, कांग्रेस पार्टी ने, बाकी पार्टी ने, आज सुधरने का समय है। तो हम सुधर ला रहे हैं, गलतियां हुई है, लेकिन जो सुधरते समय कम से कम आप विरोध ना करें सर। और सर सेक्शन 108 स्पेशल प्रोविजन अंडर वेकी प्रॉपर्टी एक्ट 1950, उसको सर हम लोग हटा रहे हैं, क्योंकि ऐसा सेक्शन हमारा देश का किसी कानून में, किसी भी स्टेट्यूट बुक में नहीं रहना चाहिए सर। उसके बाद सर उसके बाद मैं कुछ ऐसा इश्यूज पे जाना चाहता हूँ जिससे हमारे सारे सदन को सुन करके उनको कन्विंस होगा सर। सर आप सर इनको थोड़ा चुप करें, बीच बीच में इस तरह का कहना, सीनियर मेंबर है सर। अब हम सर बड़ा विषय पे जाना चाहता हूं सर। ये हमने जो कंसल्टेशन का प्रोसेस किया है, मैं पुराने दिनों के बारे में नहीं कह रहा हूं, 2014 के बाद कितने लोगों से, हजारों लाखों लोगों से, या तो आप मंत्रालय के ओर से जाके उनके साथ कंसल्टेशन किया, या वो रिप्रेजेंटेशन लेकर के मंत्रालय में आए और उनके बात को हमने सुना है सर। पिछले एक साल के अंदर में, पिछले सिर्फ एक साल के अंदर में ऑनलाइन कंप्लेंट 194 कंप्लेंट्स रिलेटेड टू इंक्रोचमेंट एंड इलीगल ट्रांसफर ऑफ वर्क लैंड, एक साल के अंदर में, और 93 कंप्लेंट अगेंस्ट वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स एंड 279 एक जनरल कंप्लेंट, ये ऑनलाइन हमारे पास में पोर्टल में आया है। उसके बाद सर आज सर ये एक समुदाय का बात मुसलमानों को गुमराह करके यहां बात रखा जा रहा है। कल देर रात तक मेरे पास में मुसलमानों का डेलीगेशन आते रहा, और हमसे पहले भी कितने लोग मिले, और इसको आप ये सोचते हैं कि क्या सर ये क्या बोहराज कम्युनिटी का संख्या कम है, इसके लिए ये महत्व नहीं देंगे क्या सर? अहमदिया ये कम संख्या है, इसलिए क्या उनका सोच, उनका प्रॉब्लम्स का नजरअंदाज करेंगे सर? सर आगा खानी संख्या कम है, क्या उसके बात को नहीं सुना जाना चाहिए सर? एक कम्युनिटी डोमिनेशन करके अगर छोटे छोटे लोगों को कुचल देंगे, तो फिर हम इस सदन में बैठ करके हम न्याय कैसे दे सकते हैं? इसलिए ये एक तरफा आवाज उठा करके पूरा मुसलमान के नाम से ये लोग एक तरफा, ये कुछ चंद लोगों का आवाज यहाँ आज बुलंद कर रहे हैं इस सदन में सर। सर जो वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोगों कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक के चक्कर से नहीं बोल रहा है, मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर के कहता है। नाम मत बताना, नाम तो हम बताएंगे नहीं सर। मैं आप लोगों का पॉलिटिकल इशियर में खराब नहीं कर दूंगा। कौन कौन सा एमपी ने मुझे आके बताया कि पार्टी विरोध कर रहा है, लेकिन अंदर से हम साथ दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लेकर के इन एमपी साथियों का पॉलिटिकल करियर को मैं बर्बाद नहीं करूंगा सर। सर कंसल्टेशन का जहां तक आता है सर, सबसे पहले बस हो गया सर। कंसल्टेशन हमने कई लेयर्स में कंसल्टेशन किया है सर, ऑफिशियल लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव से, और इंडिविजुअल लेवल में बहुत वाइड कंसल्टेशन देश भर में हम लोगों ने किया है सर। मुझे इस मंत्रालय में आए हुए अभी लगभग 2 महीने हुए हैं, लेकिन जो कंसल्टेशन प्रोसेस
हमारे से पहले जो मंत्री थे इस मंत्रालय के, सब लोगों ने बहुत बारीकी से समस्याओं का भी पहचान किया और कंसल्टेशन प्रोसेस भी बहुत ब्रॉड बेस किया है सर। सर, कुछ कंसल्टेशन के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं सर। सर, 2015 के बाद एक्टिव कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, ऐसा मत सोचिए। ये 2024 में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर के अचानक आया है, मत सोचिए। ये मैं आपको बताने वाला कितना एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कंसल्टेशन करके आज ये बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं सर। इसमें सर अलग अलग समुदाय के, जितना मैंने नाम लिया सर, अहमदियाज है, बोरास, पसमंदास, आगा खानीज, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव और जितने पिछड़े मुसलमानों के अंदर में, सबसे लेकर के 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सीईओ और उनके और भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव सबसे बात शुरू किया है सर। 2015 में पटना में कंसल्टेशन प्रोसेस किया, फिर उसके बाद में 16 अप्रैल में नई दिल्ली में, फिर 12 तारीख अक्टूबर 2015 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका कंसल्टेशन का बैठक हुआ, उसके बाद 2015 में 11 नवंबर का दिल्ली में, फिर उसके बाद 7 जनवरी 2017 में फिर दिल्ली में, 8 मार्च 2018 दिल्ली में, इस तरीके से फिर 13 जुलाई 2023 में मुंबई में, उसके बाद 2024 जुलाई 23 में फिर लखनऊ में, उसके बाद फिर 7 नवंबर 2023 नई दिल्ली में सर। और ये जो प्रोसेस है लखनऊ यूपी में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही है अखिलेश जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश का राजधानी है सर। आप मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ सर। सर, 2023 जो लेटेस्ट कंसल्टेशन जो हुए हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें सर जनरल पब्लिक, जो आम मुसलमानों के साथ चर्चा हुई, क्योंकि हमारा मंत्रालय ने खुले मन से कहा कि इंडिविजुअल लेवल में भी आपका कोई इश्यू है, आप आ सकते हैं, आप बात रख सकते हैं, मंत्री के साथ मुलाकात कर सकते हैं और अधिकारियों के साथ आप मिल सकते हैं। उस समय सर मुंबई में रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द जनरल पब्लिक के साथ साथ और भी ऑफिशियल से हमारी बैठक हुई, और उसमें स्टेट वक्फ बोर्ड को इम्प्रूव करने के लिए और कदम क्या क्या उठाना चाहिए उसका सुझाव वहां में आया। लखनऊ में जब बैठक हुई, लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड